हेल्थ चैनल में स्वागत है। आयुर्वेद में जो लिक्विड मेडिसिन बनती है, स्पेशली आदिष्ट और आसव, उसकी क्रिया कुछ ऐसी होती है कि सारी वनस्पतियां एक मटके में डाल दी जाती है, उसमें पानी डाला जाता है और उसमें गुड़, शहद, महुआ के फूल, बबुल की छाल, ये सब डाल के उस मटके को बंद कर दिया जाता है और उसे फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है। इसे संघान क्रिया कहते हैं। ये संघान क्रिया सही से हो और ये जो मिश्रण है वो सड़ ना जाए, इसके लिए एक और वनस्पति इसमें डाली जाती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है। ये वनस्पति होती है धाई के फूल। तो आज धाई के फूल की झाड़ी हम देखेंगे कैसी होती है। धाई के फूल का ये एक इंपॉर्टेंट उपयोग तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी धाई के फूल एक बहुत ही गुणकारी वनस्पति है और ये बहुत सारे शास्त्रीय फॉर्मुलेशंस में डाली जाती है, उपयोग की जाती है, जैसे कि ये बिलवाड़ी चूर्ण का भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। और भी इसके बहुत बहुत फायदे हैं जो कि हम इस एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धाई के फूल सुदूर पहाड़ियों में पाए जाने वाली एक वनस्पति है। प्रमुख तौर पर इस वनस्पति के जो फूल है वही औषधि कार्य में उपयोग किए जाते हैं। ये एक झाड़ी होती है जो कि काफी बार चट्टानों में उगी हुई आपको मिल सकती है। इसके पत्ते पहली नजर में नीम के पत्तों जैसे नजर आते हैं, लेकिन नीम के पत्ते आकार में सीधे होते हैं, ये आकार में थोड़े टेढ़े होते हैं। ये देखिए, इसके पत्तों की एक और विशेषता होती है कि ये तने में से डायरेक्टली निकलते हैं, यानी तने और ये पत्तों के बीच में कोई डंडी नहीं होती है, इसलिए इसके पत्तों के शुरुआत में आपको एक फ्रिल जैसा एक घुमाव नजर आएगा। इसके पत्ते जोड़ी में होते हैं दो के और ये सामने सामने उगते हैं और इसके पत्ते पुराने हो जाने पर लाल रंग के हो जाते हैं। धाई के बहुत ही सुंदर फूल होते हैं। ये फूल भी पत्तों के साथ ही लगते हैं और ये गुच्छों में लगते हैं। धाई के फूल स्वभाव में शीतल होते हैं और ये कमाल के एंटीबैक्टीरियल होते हैं, यानी कि ये एक बहुत ही तेज कीटाणुनाशक होते हैं। अब इसके प्रमुख फायदे देख लेते हैं। इतना सब कुछ देख करके भी अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नहीं लगता है आपको इस पे पुनः विचार करना चाहिए? संघान क्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिजर्वेटिव की भूमिका निभाने के अलावा धाई के फूलों का पाउडर बना करके मंजन किया जाए तो मुख के सारे रोग दूर होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये पेट के समस्त रोग दूर करने में भी बहुत ही कारगर है। अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो 2 ग्राम इस फूलों का पाउडर पानी के साथ दिन में 2 बार सेवन करने से ये प्रॉब्लम दूर होता है। पेट में अगर कीड़े हो रखे हैं तो यही नुस्खा बहुत ही काम आता है। इसके अलावा अगर पेट में अल्सर है या फिर ब्लीडिंग हो रहा है तो भी धाई के फूलों का सेवन करने से ये समस्या दूर होती है। अगर दस्त हो रहे हो तो इसका 2 से 3 ग्राम चूर्ण लेने से दस्त तुरंत बंद हो जाते हैं। इसके अलावा बवासीर, भगंदर के लिए जो औषधियां बनती हैं उसमें भी धाई के फूल डालने से वो औषधियां और भी प्रभावशाली बनती है। और आगे बढ़ते हैं, धाई के फूल हर तरह के चर्म विकार भी दूर करने में बहुत ही उपयोगी है। इसमें इसके फूलों की पेस्ट बना करके और अफेक्टेड एरिया पे लगानी चाहिए, इससे बहुत ही तेजी से लाभ होता है। अगर त्वचा जल जाए तो इसमें भी नारियल के तेल में ये पाउडर मिला करके और लगाने से जलन शांत हो जाती है और जले का घाव भी बहुत ही तेजी से ठीक हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, महिलाओं में लिकोरिया का प्रॉब्लम हो उसमें भी इसका चूर्ण देने से लिकोरिया का प्रॉब्लम दूर होता है। इसके अलावा महिलाओं में या फिर पुरुषों में प्रजनन अंगों में अगर इन्फेक्शन हो गया हो उसमें भी ये चूर्ण देने से ये प्रॉब्लम दूर होता है। याद रखिए, ये जो बेनिफिट है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का, ये अमृत समान है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए मॉडर्न मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद भी काफी बार ये प्रॉब्लम्स दूर नहीं होते हैं, ऐसे में मॉडर्न मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स की पावर बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इस तरह से ये लोग और तेज एंटीबायोटिक्स देते जाते हैं, इससे काफी बार किडनी डैमेज हो जाती है। इससे ज्यादा उम्र वाली महिलाओं की मैंने काफी बार डेथ होते हुए देखी है। तो मैं मेरा ये प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि अगर आप महिला हो और अगर आपकी उम्र ज्यादा है और अगर आपको यूट्रस में या फिर वैजिनल एरिया में इन्फेक्शन हुआ है तो आयुर्वेद का सहारा लीजिए, एंटीबायोटिक्स लेने से बचिए। खास करके मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सर्कल्स में जरूर शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर किसी महिला को बच्चा ठहर नहीं रहा हो,
उसमें धाय के फूल बहुत ही कारगर है। मासिक धर्म शुरू होने के 5 दिन पहले से 3 से 4 ग्राम चूर्ण सेवन करना है दिन में 2 बार। ऐसे मासिक खत्म होने के 5 दिन बाद तक अगर सेवन किया जाए तो गर्भाशय शुद्ध हो जाता है, प्रजनन अंग सारे शुद्ध हो जाते हैं और गर्भ ठहरने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है। तो जो निराश दंपति हैं वो ये प्रयोग जरूर करें, उनके घर में खिलकारी जरूर बचेगी। इसके अलावा शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग हो रहा हो तो धाय के फूल का सेवन करने से ये समस्या 100% तुरंत दूर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और विशाल साठे को अभी के लिए दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय।